हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवाईसी कौन अप्रूव करता है, बैंक वाले या कंपनी वाले। बहुत सारे मेंबर काफ़ी परेशान होते हैं केवाईसी से। मेंबर केवाईसी अपडेट तो कर देते हैं, लेकिन अप्रूव होने में बहुत परेशानी होती है। मेंबर को समझ में नहीं आता है कि केवाईसी कैसे अप्रूव कराए, कंपनी से या फिर बैंक से, क्योंकि जब तक केवाईसी अप्रूव नहीं होती है तब तक हम कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आसू ईएस एंड पीएफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन भी, जिससे आपको आगे भी मेरी इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक केवाईसी अप्रूव करता है या नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक केवाईसी जब अप्रूव करता है, या तो आपकी बैंक में केवाईसी हुई नहीं है, या फिर अपडेट नहीं है, या फिर आपने बैंक अकाउंट चेंज कराया है, तो फ्रेंड इन तीनों टॉपिक पर केवाईसी अप्रूव हो जाती है। क्योंकि जब बैंक केवाईसी अप्रूव करता है तो आपकी केवाईसी पीएफ में ऑटोमेटिक हो जाती है, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि वेरीफाई ऑनलाइन बाय बैंक। यह जब लिखा हुआ आता है, जब बैंक वाले आपकी केवाईसी को अप्रूव कर देते हैं, तो फ्रेंड ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड, बहुत से लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि केवाईसी 2 मिनट में अप्रूव करे, 24 घंटे में अप्रूव करे, या फिर हैंड टू हैंड अप्रूव करे, वो भी बिना कंपनी के। तो फ्रेंड, ये सारी बातें बेकार होती है। और कई लोग कहते हैं कि केवाईसी के लिए रजिस्टर ग्रीवेंस में रिक्वेस्ट डाल दो, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपकी केवाईसी वहाँ से अप्रूव हो जाती है, नहीं तो फिर आपको बैंक से साइन करा के मैनुअल फार्म भर के जमा करने होते हैं। फिर उस केस में आपकी केवाईसी और क्लेम सेटल दोनों हो जाते हैं। फ्रेंड, अब दूसरा कि केवाईसी सिर्फ कंपनी वाले ही अप्रूव करते हैं, वो भी 60 दिन के अंदर। मान लीजिए कि आपने जिस डेट को भी केवाईसी अपडेट करी है, उस दिन से लेकर 60 दिन तक हमारी केवाईसी को अप्रूव करने का टाइम होता है, और कंपनी वालों को 60 दिन के अंदर ही अप्रूव करनी होती है, क्योंकि 60 दिन के बाद जो हमारी केवाईसी होती है वो इनवैलिडेटेड बताती है, और फिर आपको दोबारा से अपडेट करनी होती है। फ्रेंड, केवाईसी कंपनी वाले 2 तरीके से अप्रूव कर सकते हैं। एक तो होता है डीएससी, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है ई साइन। फ्रेंड, डीएससी एक यूएसबी टोकन होता है जिसको सिस्टम में लगा के केवाईसी अप्रूव करी जाती है। और फ्रेंड, ई साइन से पहले एम्प्लॉयर को ई साइन रजिस्टर कराना होता है पीएफ में। उसके बाद जब ई साइन एक्टिव हो जाता है तो एम्प्लॉयर का आधार नंबर टाइप करके उनके नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाता है, फिर ओटीपी टाइप करके उसको वेरीफाई करके केवाईसी अप्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड, आपकी कंपनी में ये दोनों तरीके आप बता सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी वाले ई साइन से केवाईसी अप्रूव करते हैं, क्योंकि डीएससी टोकन में जावा वर्जन की प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है, इसलिए ई साइन से केवाईसी आराम से अप्रूव हो जाती है। इसलिए फ्रेंड, आप कंपनी में बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें केवाईसी के लिए, और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं कि सर, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, बिना केवाईसी के हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो केवाईसी अप्रूव होते ही आप पीएफ से एडवांस भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे, और केवाईसी के यह 2 तरीके ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। और फ्रेंड, अगर आपको ईएसआई या पीएफ में किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।